आज का हमारा टॉपिक है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति, शब्द का कार्य, शब्द का कार्य शब्द की अभिव्यंजक शक्ति होती है। अभिव्यंजक शक्ति होती है। शब्द और अर्थ में अभिन्न संबंध होता है। शब्द और अर्थ में अभिन्न संबंध होता है और यही संबंध शब्द शक्ति कहलाता है। अर्थात साधारण अर्थों में शब्द का अर्थबोध कराने वाले शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के तीन भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति से वाचार्थ का ज्ञान होता है। वाचार्थ का मतलब होता है मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है। मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है जो लोक प्रसिद्ध अर्थ है, यानी कि मुख्य अर्थ का ज्ञान होने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा से लक्ष्यार्थ का ज्ञान होता है, लक्षणों का ज्ञान होता है। व्यंजना से व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है, व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है। अभिधा से वाचार्थ का ज्ञान होता है, लक्षणा से लक्ष्यार्थ का ज्ञान होता है, व्यंजना से व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है। नंबर एक, अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति जिस शब्द को पढ़कर या सुनकर, श्रोता, सुनने वाला या पाठक, पढ़ने वाले शब्द, जिस शब्द को पढ़कर या सुनकर श्रोता या पाठक को उसका सरल अर्थ प्राप्त हो, सरल अर्थ प्राप्त हो या लोक प्रसिद्ध अर्थ प्राप्त हो, जैसे नॉर्मल वे में मैं कह सकता हूं, मैं जैसे मैं कहूं बैल खड़ा है। अब चूंकि लोक प्रसिद्ध अर्थ बैल को बैल ही कहेंगे, सबसे सरल शब्दों में बैल को बैल ही कहेंगे, बैल खड़ा है। इसमें बैल में वाच्यार्थ का ज्ञान होता है, इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई मनुष्य खड़ा है, या मैं कहूँ कि पुस्तक है, यानी कि उसका दूसरा अर्थ नहीं निकाल सकते। जो आज में प्रचलित लोक प्रसिद्ध जो अर्थ है, बैल को बैल ही कहेंगे। बैल एक जानवर है और बैल को बैल कहना ही अभिधा शब्द शक्ति। नंबर दो, लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति जिस वाक्य में साधारण अर्थ और उसका जो भावार्थ है, वह अलग अलग होता है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जिस वाक्य में साधारण अर्थ और उसका भावार्थ अलग अलग होता है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इसके दो उपभेद होते हैं,
इसके दो उपभेद होते हैं। सबसे पहले रूढ़ी लक्षणा और दूसरा होता है प्रयोजनवती लक्षण। रूढ़ी लक्षणा या प्रयोजनवती लक्षणा, रूढ़ी लक्षणा को कहते हैं जो जो भी लोक प्रसिद्ध अर्थ होते हैं वे रूढ़ी होते हैं, और जो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य के वाक्य होते हैं, वो प्रयोजनवती लक्षणा के अंतर्गत आते हैं। रूढ़ी लक्षणा मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर रूढ़ी के द्वारा लक्षार्थ प्राप्त हो उसे रूढ़ी लक्षण कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि पंजाब वीर है, यहां जो पंजाब है यहां लक्षार्थ जो है वह पंजाब है, पंजाब के निवासी है। यहां जो लक्षार्थ है वह पंजाब के निवासी है, यानी कि पंजाब वीर है। यहां बताया गया है कि जो लक्षार्थ है वह पंजाब के निवासी है, अतः रूढ़ी लक्षण है। मैं कहूं जैसे आप तो राजा हरिश्चंद्र है, अब यहां जो राजा हरिश्चंद्र है, यहां जो लक्षार्थ है वह सत्यवादी के लिए, यानी कि यहां जो लक्षार्थ है वह सत्यवादी है, आप तो सत्यवादी है। राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी के लिए लक्षार्थ किया गया है, यहां रूढ़ी लक्षणा है। दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा जैसे मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर विशेष प्रयोजन के द्वारा लक्षार्थ प्राप्त होता है, वहां प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे मैं कहूं कि राम गधा है, अब चूंकि गधा तो एक जानवर है, राम गधा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन यहां जो लक्षार्थ है वह मूर्ख के लिए है, यहां जो लक्षार्थ है वह मूर्ख के लिए है, तो राम मूर्ख है, यहां प्रयोजनवती लक्षणा है। जो विशेष प्रयोजन हुआ है वह गधा एक जानवर है और राम एक मूर्ख है, यही इसका प्रयोजन है, यही इसका उद्देश्य है कि जो लक्षार्थ हुआ है, जो लक्षण है, ये मूर्ख के लिए है। जो गधा है इसमें जो लक्षार्थ या लक्षण मूर्ख के लिए है, और ये एक विशेष प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? कि राम मूर्ख है, यहां प्रयोजनवती लक्षण है। एक छोटी सी बात और है, जैसे मैं कहूं कि शिवाजी सिंह है, तो सिंह है तो सिंह चूंकि जानवर है तो सिंह तो हो नहीं सकता, लेकिन जो लक्षार्थ है जो वीर साहसी, तो इसमें यह इसका यही प्रयोजन है, यही उद्देश्य है कि शिवाजी वीर है, शिवाजी में अदम्य साहस है, यही इसका प्रयोजन है, इसलिए यह है प्रयोजनवती लक्षण है। अब एक जितने भी
मुहावरों एवं लोकोक्तियों में लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाता है, अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे मैं कहूं, जैसे उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब जो इसका हम अर्थ बोध करेंगे वो केवल लक्षण समझ सकते के द्वारा ही संभव है। जैसे एक है, हंसा तेसो उड़ गए, ये लोकोक्ति है, हंसा थेसो उड़ गए कागा वही दीवान। अब यहां लक्षण समझ शक्ति से ही इसका अर्थ बोध होता है कि जो योग्य सज्जन और गुणवान व्यक्ति थे वे तो चले गए, उनके स्थान पर अयोग्य और गुणहीन व्यक्तियों ने उस घर पर आधिपत्य जमा लिया। या ये कह सकते हैं कि उक्त घर पर जो सज्जन थे, गुणवान व्यक्ति थे, योग्य आदमी थे, वे तो चले गए, उनके स्थान पर गुणहीन और अयोग्य व्यक्ति ने आधिपत्य जमा लिया। तो ये जो अर्थ ग्रहण होता है, जो अर्थ हमें ज्ञात होता है, वह केवल लक्षण समझ शक्ति के द्वारा ही होता है। तो जितने भी मोहरे और लोकोक्तियों में हम जो अर्थ ग्रहण करते हैं, अर्थ भाव आता है, वो केवल लक्षण समझ शक्ति के द्वारा ही आता है। तीसरा, व्यंजना समझ शक्ति। व्यंजना समझ शक्ति वाक्य का साधारण अर्थ होता है, वाक्य का साधारण अर्थ होता है, लेकिन प्रत्येक पाठक या श्रोता के लिए अलग अलग अर्थ होता है। वाक्य साधारण अर्थ होता है, वाक्य का साधारण अर्थ होता है, परंतु प्रत्येक पाठक या श्रोता के लिए अलग अलग अर्थ होता है, उसे व्यंजना समझ सकते हैं। जैसे मैं कहूं, सुबह के 8 बज गए, जैसे मैं कहूं सूर्य अस्त हो गया, जैसे मान लो मैं कहूं सुबह के 8 बज गए, तो अब जो सुबह के 8 बजे हैं, इस वाक्य का अर्थ सभी पाठक या श्रोता के लिए अलग अलग होता है। एक पहरेदार जिसकी रात्रि की ड्यूटी है, तो सुबह की यदि 8 बज गए तो ड्यूटी उसकी ऑफ हो गई, ड्यूटी समाप्त हो गई। जैसे जो विद्यार्थी हैं, स्कूल में जाने वाले हैं, उनके लिए सुबह के 8 बज गए, स्कूल जाने का, विद्यालय जाने का समय हो गया। जैसे एक गृहिणी है जो घर में कार्य करती है, उसके लिए 8 बज गए, तो बच्चों के लिए खाना बनाना है और घर के कामों में इस समय को वह घर को घर के कामों में देखती है। पूजा, एक मंदिर में पुजारी के लिए 8 बज गए, आरती का समय हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि वाक्य में अर्थ तो साधारण होता है, लेकिन उसका अर्थ सभी के लिए अलग अलग होता है, वहां व्यंजना समझ शक्ति होती है। इस व्यंजना शब्द शक्ति के भी दो उपभेद होते हैं। जैसे सूर्यास्त हो गया, उसी तरह सभी के लिए इसका अर्थ अलग अलग है। सूर्यास्त हो गया, गोधूलि का समय हो गया, चरवाहे हैं, ये सोचेंगे भाई सूर्यास्त हो गया, हम अपने गायों को घर ले जाएं, या ड्यूटी किसी की ऑफ हो गई, किसी की नाइट ड्यूटी वालों की ड्यूटी स्टार्ट हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थ साधारण लेकिन अलग अलग अर्थ होता है, अपने हिसाब से अर्थ लेते हैं। इसके दो उपभेद होते हैं, नंबर एक शाब्दिक व्यंजना और आर्थिक व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना शब्द विशेष के कारण चमत्कार होता है,
या ये कहें शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ होता है। मैं कहूं कि शब्द विशेष के कारण जो व्यंग्यार्थ होता है वहां शाब्दी व्यंजन होती है। यदि हम उस शब्द को हटा देते हैं तो व्यंग्यार्थ ही नष्ट हो जाता है। जब शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ होता है, यदि उस शब्द को हटा दिया जाता है, यदि उस शब्द को हटा दिया जाए तो व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है। व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है, वहां शाब्दी व्यंजना होती है। शाब्दी व्यंजना अनेकार्थ शब्दों में होती है, अनेकार्थ शब्दों में होती है। जैसे मैं कहूं चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ए वर्ष भानु जा, को घटी ए वर्ष भानु जा वे हरदर के वीर। अब यहां अनेकार्थ शब्द है वे हरदर के वीर। अब यहां वर्ष भानुजा, वर्ष भानुजा के दो अर्थ हैं, एक तो राधा और एक है गाय। उसी तरह हलदर, हलदर एक तो हलदर हल को धारण करने वाला, एक तो किसान हो गया या बैल हो गया, एक हलदर यानी कि बलराम हो गया। तो जिसमें अनेकार्थ शब्द होते हैं वहां शाब्दी व्यंजना होती है। शाब्दी व्यंजना में शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ उत्पन्न होता है। यदि हम इन शब्दों को हटा देंगे तो इसमें व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाएगा, इसलिए यह शाब्दी व्यंजना है। आर्थी व्यंजना, आर्थी व्यंजना अर्थ विशेष के कारण, अर्थ विशेष के कारण, अर्थ विशेष के कारण जो व्यंग्यार्थ होता है वहां आर्थिक व्यंजन होती है। जैसे एक एग्जांपल है आंचल में दूध आंखों में पानी, इसमें एक तो दो अर्थ बताए गए हैं, एक तो माता का ममत्व भाव बताया गया है, ममत्व भाव बताया गया है, और दूसरा सहन शक्ति। इसलिए यह अर्थ विशेष के कारण यह आर्थिक व्यंजना, एक तो ममत्व भाव बताया गया है और सहन शक्ति बताई गई है, इसमें दो भाव बताए गए हैं। तो इन्हीं दो भावों या दो अर्थों के कारण इसमें व्यंग्यार्थ उत्पन्न होता है, इसलिए यह आर्थिक व्यंजना है। थैंक्स।